बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, जो अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए माता पिता से ही दूर मुंबई आकर स्ट्रगल कर रही है, ताकि माता पिता को मिले एक जीवन खास। आज अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रही हैं शेजूती दास। हाय शेजूती, आज आपका ड्रीम डेब्यू है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से मैं मुंबई में आई थी तब से मेरा सपना था कि मैं इन रेड में परफॉर्म करूं, और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है, और सोनी टीवी की वजह से। और मैं बचपन से, लोग बहुत किस्मत वाले होते, इतने गुणीजन लोगों के सामने, महारथी लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है, और आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। खाली एक ही मेरा जो दुख है, मैं बोलना चाहूँगी कि मैं चाहती थी कि मम्मी पापा मेरे साथ हो, क्योंकि आज द ड्रीम डेब्यू है। तो संजुती, आपके मम्मी पापा हमने थिएटर राउंड में देखा था, मैं समझ सकती हूँ वो क्यों नहीं आ पाए होंगे। बट संजुती, आपको पता है मैं घर में सबसे छोटी हूँ, है ना? बिल्कुल मैम। और मुझसे बड़ी सोनू दीदी हैं, टोनी भाई हैं, और मैं सबसे प्रोटेक्टेड और सबसे लाडली घर की, है ना? बिल्कुल मैम। बट आपको पता है, आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी छोटी बहन हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सच में, जेन्युइनली खुशनसीबी है मैम। आज आप कह रही हैं कि आपकी फैमिली से कोई आया नहीं है। बिल्कुल, मैं आई हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इतना पैशन से गाया उन्होंने ये गाना. इट वॉज रियली वेरी गुड. शी सिंग्स वेरी वेल. ऊपर से पैशन जो था ना गाने का, गुम होके गाना, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया. अब मुझे लगता है कि वाकई ये अपने मम्मी पापा के सपनों को जरूर पूरा करेंगी. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. मुझे लगा कोई टेप रिकॉर्डर रखा है इन्होंने, वो बज रहा है या ये गा रही है. वाओ. थैंक यू सो मच सर. संजीति, ये गाना लाइव में इस तरह से परफॉर्म करके तुमने साबित कर दिया है कि ये जो द ड्रीम डेब्यू है इंडियन आइडल का सीजन 13 का, वो अपने आप में सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है. थैंक यू सर. और तुम्हारे लिए भी यही कहूँगा कि टैलेंट हो तो ऐसा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. पटाखा है. पटाखा नहीं है, आप बॉम्बो आपकी जो आवाज है, आप जो गाती हैं, डूड यू आर अ थ्रेट फॉर प्लेबैक सिंगर्स. आई मस्ट से, आई एम टेलिंग यू, जाओ इंडस्ट्री वेट कर रही है तुम्हारा.
I am so proud. Queen! Queen! आपकी आवाज में एक अलग खनक है, वो बहुत कम सुनने को मिलती है और मजा आ गया उसका. थैंक यू सो मच. यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं. ये जगह बिल्कुल भी जन्नत से कम नहीं है और मैं इस जन्नत में फिर से आना चाहूंगा. तुसी कमाल कर देता. आहा, क्या बात है. थैंक यू मां. असली की श्रीवल्ली एकदम मां. We were feeling that जी. You were controlling your dancing while singing. You wanted to dance, na? Don't lie. You wanted to dance, na? You're an entertainer, yeah. Next, you're like one. She has swag. Yeah. Right now, आज अभी इसी वक्त वो भी ये कह रही थी कि वो रश्मिका के साथ डांस करना चाहती हैं. क्यों आप छुपा रही हैं अपने मन की भावनाओं को? कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. हो रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे. मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. हो रेशम का ये दिल भर मेरे. ओ ये दिल भर मेरे. मजा आ गया. थैंक यू सो मच रश्मिका, बहुत मजा आया. रूपम आपने मौसम बदल दिया. हमारे प्यारे एवरग्रीन द यंगेस्ट मेंबर ऑफ इंडियन आइडल फैमिली आनंद जी भाई आए हैं. आनंद जी भाई के लिए बार जोरदार तालियां हो जाए सर. और साथ ही साथ मैम को भी लाए हैं. मैम सर नमस्ते, आपका स्वागत है इंडियन आइडल में. और सर क्या लग रहे हैं आप? ओ माय गॉड, व्हाट अ हैंडसम मैन यू आर लुकिंग. मुझे बोल रहे हैं जी? ऑफ कोर्स सर, और किसको कहूंगा मैं. अरे सास में हूं इसलिए. आइए आइए आइए. नमस्कार सोनाक्षी, चल के आइए. थक तो नहीं गई ना? नहीं नहीं, लंबा सा है? नहीं सर. गले को ऐसी नहीं मत करना, उसको गिरते रहने देना है हर वक्त. सोनाक्षी आपका नाम है, सोनालिसा कर दूं तो चलेगा? ओ हो हो. हाँ सर बिल्कुल. मैंने सुना है कि आपने बहुत बड़े बड़े जो अभी लेजेंड्स हैं आपने उनका नामकरण किया है, जैसे सुनिधि मैम, कुमार सानू सर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड डर के बिना बिल्कुल बिंदास गाओ. बिल्कुल सर. बालों को गाते वक्त ऐसा करो कि थक तो नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं, होता है कभी कभी, होता नहीं ऐसे किया तो किया. तो आनंद जी भाई, ये बहुत ही आपने अद्भुत नाम दिया है हमारी सोनाक्षी को, सोना लिसा. लिसा मोना लिसा के बाद सोना लिसा. क्या बात है सर. तो ये वो भी एक जगह बैठी हुई है, हिलती नहीं. सत्य ही शिव.
शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझा आगर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुनाची। बहुत ही अच्छा लगा, इस बात के लिए अच्छा लगा। मैं सोच रहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम इन्होंने गाना सिलेक्ट क्यों किया, आलसी लड़की है तो लाइन आई ना जागो तो वहां से एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए, जागो फिर आना चाहिए सत्यम शिवम सुंदरम। साजना
की जावो ना भेबे भेबे हार जावा तो होलो ना अरे पावो की पावो ना भेबे भेबे की छुपावा तो होलो ना 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 अब जो मिले है तो बाहों को बाहों मेरे नीति साजना सच्ची की झूठी है होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना अब जो मिले है तो हाय दे हाय दे हाय दे साजना थैंक यू सो मच वाह वाह अनुष्का वाह सुपर्ब जस्ट सुपर्ब थैंक यू मैम थैंक यू वेरी नाइस बेटा मुझे तो अपनी जवानी याद आ गई थी अभी भी चल रही है अरुणा जी बहुत अच्छा गाया आपने और जो फीलिंग आशा जी ने इस गाने में रखी थी आपने उसको क्या संभाला है मतलब बहुत अच्छा गाया बेटा आपने थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच आपकी उम्र क्या है 15 इयर्स सब लोग यार मुझे चौंका रहे हो आज 15 की उम्र में इस गाने को गाना इस गाने के माफ कीजिएगा लेकिन इस गाने की समझ भी होना नामुमकिन है एक्चुअली इस गाने के एक्सप्रेशंस को समझना इस तरह से एक्सप्रेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माइंड ब्लोइंग ट्रूली अमेजिंग थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच अनुष्का जब आप परफॉर्म कर रही थी तो मैं देख रहा था बैक स्टेज से कि अरुणा जी वहाँ बैठे बैठे इतना एंजॉय कर रही थी मन ही मन थिरक रही थी और फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया वो ख्याल ये था कि जो मन ही मन अरुणा जी थिरक रही थी अगर वो इस स्टेज पर आकर थोड़ा बहुत थिरक जाएं तो हम पागल हो जाएंगे We shall lose the minds. अरुणा जी प्लीज स्टेज पे आइए ऑडियंस ये देखना चाहती है Yes, अरुणा जी के लिए तालियां जो मिली है तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना सच्ची की झूठी है होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना अब जो मिले है तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना सच्चे की झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना ओह माय गॉड अरुणा जी ओह नेहू 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 सुन रही है वहाँ पर वो पिता अपनी बेटी को क्या सपने दिखाता जो अपनी बेटी को ना अच्छी नींद देने का सामर्थ्य रख पाया ना आरामदेह बिस्तर पर कारखाने में मजदूर का काम करने वाले पिता ने बेटी को वो दिया जो कई कारखानों के मालिक भी अपनी बेटियों को नहीं देते हैं अपना साथ थाम के उंगली चलना सिखाया राह में गिर के संभलना सिखाया और दिखा दिया कि ये नया भारत है यहाँ सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है यहाँ पैसों के अभाव में रात भर ऑडिशन वेन्यू के बाहर खड़ी रहने वाली मजदूर की बेटी भी इंडियन आइडल बनने की दावेदार बनती है जब तो जहद में भी जो ढूंढ लेती है जॉय आज अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रही है देवो स्मिता रॉय पापा देवोश्मिता मैम पापा नहीं एक्चुअली आया बट पापा बोला कि इतना बड़ा बड़ा लोग है तो उधर मैं बैठूँ इतना बड़ा हिम्मत मेरा नहीं है इसलिए मेरे पापा पीछे बैठ रहे हैं क्या बात कर रही है सच में हाँ मैम सच बात मैं बुला के लाती हूँ मैं खुद लेकर आऊँगी सर नमस्कार आइए ना आइए 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 कम
आपकी धर्म पत्नी वहां बैठी है, वो देखिए, और आपकी वो सेलिब्रिटी बेटी वहां है। क्यों क्यों नहीं आ रहे थे आप? এখানে এত বড় প্ল্যাটফর্ম, এত বড় বড় মানুষ, এত নামি দামি মানুষ সব আছে, এখানে আমার আসতে নিজের কাছে এত ছোট লাগছে, মানে আমার সেই হিমতটা নেই, সেই জন্য আমি বাইরে বসেই দেখছিলাম। सर मुझे आपकी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितना हम सब हकदार हैं यहाँ पर होने के, उतना ही हकदार आप हैं। जितनी हमने मेहनत की है उतनी ही आपने की है, बस हमारी फील्ड्स अलग हैं, बाकी सब सेम है, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो शो है ना, ये हमसे नहीं बनता, ये आपके बच्चों से बनता है, जब जब यहाँ पे स्टेज पे आके गाते हैं, ठीक है? Absolutely. तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए, और आई रिक्वेस्ट नेहा एंड हिमेश ऑल्सो, कि आप ये जो परफॉर्मेंस है देवोस्मिता का, आप यहाँ बैठ कर देखें हमारे जजेस टेबल पे। क्या बात है, क्या बात है। आपने अभी नेहू से कुछ कहा कि यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं तो मैं कैसे आ सकता हूँ, आपकी बेटी एक बहुत बड़ी कलाकार है इसलिए आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब ऊपर वाले ने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है तो आप अपने आप को छोटा और दूसरों को बड़ा समझना बंद कीजिए, आपकी बेटी बहुत बड़ी कलाकार है। आप आओ बैठो यार। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे बीच मौजूद हैं मंदाकिनी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंदाकिनी जी के लिए, और उनका एक बहुत ही खूबसूरत नया गाना आया है माँ ओ माँ, जिसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। और देवोस्मिता जो है, जिससे मैम का डेब्यू हुआ था, वो गाना आज आप गाने वाली हैं, वो भी मैम के सामने, और वो भी अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट देवोस्मिता, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। Thank you.
देवोश्मिता क्या बात है। मंदाकिनी जी आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। देवोश्मिता मेरे लिए तो वही मेरा दिन बन गया जब मैंने मंदाकिनी मैम को स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए देखा आपको। ये ड्रीम डेब्यू में ही हो सकता है, इंडियन आइडल में ही हो सकता है। आज यहाँ पर मैं हूँ बिकॉज मैं ये जो शो है इंडियन आइडल हमेशा देखती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट शोज। थैंक यू। और आपने बहुत प्यारा गाया गाना। थैंक यू। बहुत प्यारा गाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप गा रहे हैं जैसे मैं गा रही हूँ। और आपके मोहम्मद डैड यहाँ हैं तो नमस्ते जी। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी और हम भी आप में से एक हैं। क्या बात है। एंड मैं आपको वहाँ पर आके गले लगाती हूँ। हाँ मैम प्लीज। बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत सुंदर लग रही। मेरा पूरा आशीर्वाद आपको है। थैंक यू मैम। आप आगे बढ़ें, बहुत नाम कमाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। दो लाइन गाना बजा दिया जाए और मैम की एक लाइव अदायगी अगर देखने को मौका मिल जाए तो हम गदगद हो जाएंगे। ऑडियंस आप देखना चाहते हैं? नहीं? हाँ तो हो जाए जोरदार तालियां। Thank you so much. Thank you so much. अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रही है काव्या लिमे। यहाँ है सनम, बाकी के सारे
फर्स्ट ऑडिशन जो हुआ था आपने कौन सा गाना गाया था? अगर मुझसे मोहब्बत है. अगर मुझसे मोहब्बत है. ओह माय गॉड, वो गाना कितना अलग है, कितना अलग है और कितना खूबसूरती से आपने गाया था. और आज ये कंप्लीटली डिफरेंट, टू डिफरेंट जॉनराज, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, और आपने इतने अच्छे से उनको यू नो गाया एंड यू नेल्ड इट. You deserve all the appreciation, Thank yaar. You, ma'am. This Thank is called so versatility. और क्या चाहिए हमें इंडियन आइडल में? मैं तो बोल रही हूँ बॉस, इस बार लड़की ही इंडियन आइडल बनेगी. I'm telling you. Thank you so much. बाबू, you are a rock star from top to down. Like from head to toe, you are a rock star. You're gorgeous. Your stance while performing, you have that confidence, you have that swag, your voice is incredible. Thank you so much. Congratulations, sir. Wishing you the best. Thank you so much. Rashmikant, Vikas, aaiye stage par. Taaliyan. Woo! Inki nayi film aa rahi hai, Goodbye. और इसके लिए आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं. और हमने कुछ स्निपेट्स भी देखे हैं इस फिल्म के, बहुत ही अच्छी लग रही है. प्लीज इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं हमें. सो गुड बाय एक्चुअली इज नॉट अ गुड बाय टू लीव, बट इट्स अबाउट वील मीट यू अगेन एंड इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ इन दैट सेंस. एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम गुड बाय के लिए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.